हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल बॉयज़ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट या डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आप पर ऊपर कॉर्नर में आपको मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है और सेटिंग और प्राइवेसी पर क्लिक करना है। अब आपको फिर से सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है, जहाँ पर आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला। अब आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। तो मैं यहाँ पर आपको पहले डिलीट करके दिखाऊंगा। अब आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन करना है। अब इधर आपको ये पूछ रहा है कि आप अपने मैसेंजर को रखना चाहते हैं तो आपको आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है, और नहीं रखना चाहते तो आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करेंगे तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आज तक की फेसबुक पर पोस्ट जो भी था वो सब कुछ चला जाएगा। तो अगर आप आपकी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम डिलीट करते हैं। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए पासवर्ड पूछेगा, तो मैं अपना पासवर्ड डाल मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब एक बार कंफर्मेशन परमानेंट अकाउंट डिलीशन का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर डिलीट अकाउंट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट 30 दिन के लिए डीएक्टिवेट हो गया है। अगर मैं फिर से अपने अकाउंट को एक्टिव करना चाहूँ तो 30 दिन के अंदर मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के एक्टिव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट एक बार फिर से ओपन करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर मुझे अपना अकाउंट एक्टिव करना है तो मुझे यस एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और मुझे अपने अकाउंट को डिलीट करना है तो मुझे लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट फिर से ओपन हो चुका है। तो एक बार फिर से मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि डीएक्टिवेट कैसे करना है। अब हम यहाँ से अकाउंट और ओनरशिप का कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ डीएक्टिवेट अकाउंट पर, तो मैं अभी कंटिन्यू टू डीएक्टिवेट अकाउंट करूँगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको अकाउंट क्यों डिलीट करना है, मैं कब तक करना है। तो मैं यहाँ पर टेम्प्रेरी सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। अब आप चाहे उतने दिन के लिए अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आपकी 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, आप चाहे हो तो उतने दिन तक भी कर सकते हैं, या फिर आप महीना 2 महीना करना चाहें तो आपको डोंट डीएक्टिवेट ऑटोमेटिक पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है, और उसके बाद आपको डीएक्टिवेट अकाउंट करना है। अब आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।